और अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या फिर बढ़ गई है। कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार हो गई है। एक हफ्ते में दूसरी बार 300 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ गई है। कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है। एक हफ्ते में दूसरी बार 300 से ज्यादा मरीज रायपुर में मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ती जा रही है और राजधानी रायपुर में 300 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। आपको बता दें कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है और एक दिन में 300 से ज्यादा, एक हफ्ते में दूसरी बार ये घटना है कि जब 300 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रही है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में अब एक हफ्ते में दूसरी बार 300 से ज्यादा मरीज कोरोना से मिले हैं। साथ ही आपको बता दें कोरोना मरीजों की संख्या 1000 से पार हो चुकी है। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर बढ़ गई है। एक बार फिर से कोरोना की लहर वापस लौटी है और ऐसे में राजधानी रायपुर में कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार हो चुकी है। साथ ही एक हफ्ते में दूसरी बार ऐसा हुआ है कि 300 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। वहीं अब एक बार फिर से कोरोना की लहर जो है फैलती जा रही है और ऐसे में 1000 के पार मरीजों की संख्या हो चुकी है। वहीं रायपुर में एक हफ्ते में दूसरी बार 300 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं, जिन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। आपको बता दें वही वक्त है जब पिछले साल मार्च में कोरोना की शुरुआत हुई थी और ऐसे में एक बार फिर से कोरोना की दूसरी लहर भी मार्च में ही आई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रायपुर से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त रायपुर से, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसे में रायपुर में 1000 के पार संख्या हो चुकी है। और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड नितिन चौबे जुड़ चुके हैं। नितिन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि रायपुर में कोरोना के मरीजों की संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है और 300 का आंकड़ा जो है अपने आप में भावक है, क्या कुछ कहना है? जी, निश्चित तौर पर अनन्या, आपको बताना चाहेंगे कि कल जो आंकड़ा निकल के आया 310 के आसपास, हफ्ते में दूसरी बार है कि इतनी ज्यादा तादाद में अचानक से कोरोना के मरीज छत्तीसगढ़ में बढ़े हैं और 1066 के आसपास टोटल मरीज हो गए हैं। मतलब ये 70 दिन पहले की अगर बात करें, 9 जनवरी को जब आंकड़ा 1000 के पार किया था और 70 दिन बाद फिर 1066 मरीज मिलना चिंता का विषय निश्चित तौर पर हो सकता है। इसको मिलाकर अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो जो प्रतिशत है वो एक्टिव जो का 1.7% हो गया, यानी कि 6000 के आसपास के एक्टिव मरीज छत्तीसगढ़ में हो चुके हैं। तो ये बोला जाएगा कि जिस हिसाब से कल छत्तीसगढ़ में, कल का दिन था जो पहली बार था कि एक साल बाद पहला मरीज मिला था छत्तीसगढ़ में, और कल ही 1000 का आंकड़ा हफ्ते में दूसरी बार पार करके ये छत्तीसगढ़ के लिए चिंता का विषय बन गया है। हालांकि अगर एक्टिव मरीजों की प्रतिशत की अगर बात करें कि देश भर में 2.47% है, तो 0.47% बस छत्तीसगढ़ इसमें पीछे है। और जिस हिसाब से लगातार मृत्यु दर जो कल आई है, वो 5 लोगों की मृत्यु हुई है पूरे छत्तीसगढ़ में और उसमें से 2 जो थे वो राजधानी रायपुर के थे। तो कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर पर मार्च में एक बार फिर अपने पैर फैला रहा है, तो ये राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है। हालांकि कोरोना इस फैलते संक्रमण के बीच अगर बात करें कि जो मरीज ठीक हुए हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसका जो प्रतिशत है वो 97.1% है। मतलब 3,10,000 लोग अभी तक कोरोना से निजात पा चुके हैं छत्तीसगढ़ में। ये उस बीच में रिकवरी रेट को काफी अच्छा गिना जा सकता है छत्तीसगढ़ में। लेकिन हफ्ते में दूसरी बार 300 से ज्यादा आंकड़ा निश्चित तौर पे कोरोना में जिस हिसाब से पैर फैला रहा है, ये राज्य और स्वास्थ्य महकमे के लिए निश्चित तौर पे एक चिंता का विषय हो सकता है। जी धन्यवाद नितिन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या जो है बढ़ती जा रही है और दूसरी बार 300 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं एक हफ्ते के अंदर। साथ ही कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो 1000 के पार हो चुकी है और कल
5 लोगों की मौत हुई थी कोरोना के चलते पूरे छत्तीसगढ़ में। ऐसे में एक बार फिर से कोरोना को लेकर एहतियात जो है उसे बरतना शुरू करना होगा, लोगों को फिर से जागरूक होना होगा और मास्क और सैनिटाइजर का जो उपयोग लोगों ने बीच में बंद कर दिया था अब उसे एक बार फिर से अपना साथी बनाना होगा।